ये क्लास स्टार्ट हो गई है। हेलो अब हमें करना है एक्सरसाइज 15.4। देखिए इसके अंदर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हमें देखने हैं। आज की डेट क्या है? थ्री है या फोर है? फोर्थ ऑफ फरवरी। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर एक वर्ड आया है क्रॉस सेक्शन। क्या होता है क्रॉस सेक्शन? देखिए मान लीजिए कोई पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल है। इस पेंसिल को अगर हम यहां से कट कर दें, कट करेंगे तो क्या होगा? इसके दो टुकड़े होंगे। है ना? दो टुकड़े हो जाएंगे, टू पार्ट हो गए। तो जब दो टुकड़े होंगे तो पेंसिल का ये वाला हिस्सा कैसा दिखेगा? ये पेंसिल का हिस्सा अगर देखोगे तो ये गोल दिखाई देगा कटने के बाद। दिखेगा या नहीं दिखेगा? अगर गोल पेंसिल है तो, है ना, और इसके अंदर वो काला वाला जो पेंसिल का लेड होता है वो दिखाई देगा, देगा ना। तो ये वाला पार्ट जो कटने के बाद क्या शेप में नजर आया वो शेप क्रॉस सेक्शनल कहलाता है, क्रॉस सेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस सेक्शन। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसे क्रॉस सेक्शन कहते हैं। पूरा सर्कल जो दिखा कटने के बाद जो दिखा वो हिस्सा। अब मान के चलिए कोई रॉड है और वो रॉड का कोई बॉक्स है इस प्रकार से, अगर आप इसे कट करते हैं इस प्रकार से कट करते हैं तो ये कट हो जाएगा। वर्टिकली कट कहते हैं हम इसे, सीधा काट दिया आपने तो ये इस प्रकार से दो टुकड़ों में आपको दिखाई देगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये वाला? तो ये वाला हिस्सा कटने के बाद ऐसा तो दिखेगा ना, कट गए रेक्टेंगल के शेप का दिखेगा या नहीं दिखेगा? यहां से अगर आप काट देते हैं इसको बॉक्स को तो रेक्टेंगल के शेप का दिखेगा ये पूरा। तो यही हिस्सा क्या कहलाता है? क्रॉस सेक्शन कहलाता है। कि कोई कटने के बाद उसका किस प्रकार से शेप दिखेगा। तो अब किसी को काटा जाएगा तो कैसे काटा जाएगा? या तो वर्टिकली काटा जा सकता है, वर्टिकल। वर्टिकल कट का मतलब है ऊपर से नीचे तक कट करना। और एक है हॉरिजेंटल कट। हॉरिजेंटल कट वो काटा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। वर्टिकल कट का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ काटा जाएगा सीधा, और हॉरिजेंटल का मतलब है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ काटा जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर वन देखिए। क्वेश्चन नंबर वन में आपको वर्टिकल कट और हॉरिजेंटल कट को यूज करना है। और पहला किसको काटना है? पहला क्या बोला? ईट, ब्रिक। ब्रिक, ब्रिक को क्या कहते हैं हिंदी में? ईट।
देखिए ना ईंट, तो अब पहले हम एक ईंट बनाते हैं, ब्रिक बनाते हैं। ऐसी होती है ना ईंट, और बीच में यहाँ पर एक कोई डिजाइन सा बना होता है, इधर बना होता है। चलिए मान लीजिए हम बीच वाली डिजाइन को अभी हटा ही देते हैं, नहीं देख रहे हम बीच वाले डिजाइन को। अब इसका एक लगाएंगे वर्टिकल कट। वर्टिकल कट का मतलब है सीधा, मान लीजिए आपने ऐसे कट कर दिया, तो सीधा कट कर दिया। और एक है हॉरिजेंटल कट, हॉरिजेंटल में इस प्रकार से कट जाएगा। अगर आपने सीधा काट दिया ईंट को, अगर सीधा समझ के, अगर आपके पास ईंट ऐसे होगी, अगर हम सीधी खड़ी कर दें सामने सामने, तो मैं कम से कम ऐसे भी दे दूँ, तो वर्टिकल कट का मतलब है सीधा ऐसे काटना ऊपर से नीचे, और हॉरिजेंटल का मतलब है इस तरह से काट। ठीक है, अगर आपने इसको वर्टिकल कट माना यानी ऊपर से नीचे की तरफ किया, तो आप देखेंगे कि आप इसको इस तरह से हाफ कर देंगे काटने का। ऐसे कटेगा ये, और जो हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं उसमें हमारे को यहां से कट दिखेगा। इस तरह से कट जाएगा, तो ये कटने के बाद कैसा दिखेगा, तो और पहले हम लेते हैं वर्टिकल कट पर। वर्टिकल कट से हमें दिखेगा एक छोटा सा रेक्टेंगल शेप का ईंट, ये आधी ईंट है, आधी ईंट में आपको यहां पर ये वाला हिस्सा दिखेगा। ये है कटने के बाद, ठीक है, और हॉरिजेंटल जब काटोगे तो हॉरिजेंटल कट, चीज तो वही रहेगी बट ये इस प्रकार से हो जाएगी। हॉरिजेंटल काटोगे तो मोटाई की बजाय पतली हो जाएगी ना फिर, तो वो तब आपके पास ये दिखेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, एक तो आपको ये दिखेगा ये वाला हिस्सा कटने के बाद, ये यहां से कट गया हॉरिजॉन्टल वाला, एक तो यहां से कट जाएगा बीच से, दूसरा अगर इसकी शेप थोड़ा सा और चेंज कर दें तो आपको दिखेगा कि वर्टिकल में ऐसे कट जाएगा ये वाला। तो हॉरिजेंटल कट और वर्टिकल कट में ऐसे आपको दिखाई देगा। तो वर्टिकल कट है आपका ये वाला और हॉरिजेंटल कट है ये वाला। तो ये किसको किया हमने, ब्रिक को। अब अगर कोई आपके पास राउंड एप्पल हो, नंबर टू मान लीजिए राउंड एप्पल बोला, राउंड एप्पल। अब राउंड एप्पल कैसा भी हो, एप्पल का थोड़ा बहुत शेप तो दिखेगा ही, जैसे कि ये
ठीक है, एप्पल ऐसा ही होता है। अगर इसको वर्टिकल काटेंगे तो ऊपर से नीचे ऐसे कटेगा, और हॉरिजेंटल काटेंगे तो इस प्रकार से कटेगा। अब देखते हैं, पहले वर्टिकल कट से अगर काटते हैं तो ये सेब हमें कटने के बाद कैसा दिखेगा, ये हमें दिखेगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें ऐसा दिखेगा। ये वाला ये हिस्सा दिखेगा हमें कटने के बाद, व्हाइट वाला हिस्सा जो है ये, कटने के बाद तो व्हाइट वाला ये दिखेगा, लेकिन अगर वो हॉरिजेंटल काटोगे तो हॉरिजेंटल में वो आपको पूरा सर्कल दिखेगा। ये हॉरिजेंटल वाला है और ये वर्टिकल वाला है, आपने देखा होगा जब इस प्रकार से कटेगा तो यहाँ पर एक जीव दिखेगा, साइड में एक जीव, यहाँ दिखेगा, ऐसे कटेगा ना। और जब हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, वर्टिकल के हिसाब से काटोगे तो ऐसे दिखेगा, और हॉरिजेंटल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे आपको चार ऐसे करके ऐसे करके दिखेगा, ये पूरे पूरे जीव दिखेंगे बड़े से, वो डॉट 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 से दिखेंगे, ये वर्टिकल शेप और ये हॉरिजेंटल शेप से बनेगा। तीसरा कौन है, आइसक्रीम कोन। सबको आवाज आ रही है मेरी, आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन तो आपको मालूम ही है, ये आपके पास इस प्रकार की होती है, वही ये कोन है आइसक्रीम कोन, जिसके अंदर हम आइसक्रीम लेते हैं खाने के लिए। अगर आप इसको वर्टिकली काटते हैं यानी ऊपर से नीचे, या फिर हॉरिजेंटल काटते हैं, वर्टिकली हॉरिजेंटली, तो वर्टिकल अगर आपने काटा तो आपको ये दिखेगा एक ट्रायंगल शेप का कटने के बाद ऐसे करके, और अगर हॉरिजेंटली काट दिया तो हॉरिजेंटल में आपको एक इसका सिर्फ सर्कल दिखेगा कटने के बाद, यहां पर सिर्फ सर्कल दिखेगा, यहां कटने के बाद तो सर्कल ही बनेगा ना, इधर बनेगा कि नहीं बनेगा, जब कट जाएगा तो यहाँ सर्कल ही तो दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टल के हिसाब से। चौथा कौन था, लेमन। लेमन, लेमन माने नींबू। नींबू आपके पास छोटा सा एक सर्कल फॉर्म का होता है छोटा, उसको चाहे कैसे भी काट दो, चाहे वर्टिकल काट दो चाहे वो हॉरिजेंटल काट दो, ये आपको हर बार कैसा दिखेगा, सर्कल जैसा ही दिखेगा कटने के बाद। नहीं, वर्टिकली काटो चाहे हॉरिजेंटल, हर बार सर्कल जैसा ही दिखेगा। नेक्स्ट, ड्रॉ द फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड। देखो मैं इसका पहले एक आपके पास जो इन्होंने फिगर बनाया वो फिगर बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर टू है ये आपका, इन्होंने इस प्रकार से बनाया है इसे, इसके बाद इन्होंने यहाँ से सीधे डबल कर दिया आगे तक, और यहां से भी इन्होंने डबल कर दिया।
अगर आप इसको टॉप से देखते हैं, टॉप का मतलब बिल्कुल ऊपर से, इसको आपको एक तो फ्रंट व्यू चाहिए, फ्रंट मान लीजिए ये फ्रंट है। अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें सामने की तरफ, क्योंकि देखो एरो ऐसे लगा हुआ है, ऐसे किया है तो फ्रंट है आपका, फ्रंट में सामने से आपको ये वाला फेस दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। और साइड से देखोगे तो साइड से आपको मिलेगा इधर से ये वाला दिखने का, ये दिखेगा और ये दिखेगा बस। और टॉप पे से ऊपर से कौन सा दिखेगा, ये दिखेगा, ये वाला और ये वाला हिस्सा आपको ऊपर से देखने को दिखेगा। तो हमें कौन कौन से बनाने हैं, ड्रॉ दी फ्रंट एंड साइड व्यू। फ्रंट माने जिसपे एफ लगाया हुआ है, तो इस प्रकार से अगर आप सामने से देखेंगे इसे घुमा के तो ये आपको ऐसे दिखेगा। ये आपका फ्रंट व्यू, जब आप सामने से देखेंगे तो ये तीन ही आपको दिखेंगे, और जब साइड से देखेंगे तो साइड से बनेगा इस प्रकार से। ये आपके लिए साइड व्यू है, देख सकते हैं इस एस के नीचे ये वाला है और ये साइड में दिखेगा आपको, ये साइड व्यू आपको इस तरह से दिखेगा। इन्होंने टॉप मांगा नहीं है इसलिए हमने टॉप बनाया नहीं है, ठीक है। ये आपका था फर्स्ट वाला। सेकंड देखते हैं जरा इसका, सेकंड में आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। इस प्रकार से है ये आपके सामने। तो इसमें अगर आप फ्रंट की बात करते हैं तो सामने से आपको ये वाला दिखेगा, ये दिखेगा और इधर दिखेगा। और साइड की बात करते हैं तो साइड में आपको एक इधर से दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। तो फ्रंट का अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, तीन बनेंगे लगातार फ्रंट में आपके पास, बस ये तीन सामने से आएंगे। तो ये आगे फ्रंट, और साइड से देखोगे ना तो भी आपको साइड से सिर्फ तीन ही दिखेंगे। साइड ये वाला और ये वाला भी दिखेगा, बाकी आपको और कुछ नहीं दिखेगा साइड से। टॉप से देखेंगे तो टॉप से हमें यहां से ये दिखते हैं, ये टॉप के हैं, टॉप के पांच हैं। ऊपर से अगर देखेंगे तो हमें ये दिखेंगे जिसे मैंने ये तीन लिखा है। नेक्स्ट इज थर्ड वन, थर्ड में भी आपको इन्होंने इस प्रकार से बनाया इसे। और पीछे डैश 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 करके ये ऐसे था, इन्होंने गलत बना दिया, ठीक है। तो फ्रंट है अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा फ्रंट दिखेगा और ये वाला हिस्सा आपको साइड से दिखेगा बस, और ये ऊपर वाला आपको टॉप में दिखेगा।
तो फ्रंट अगर बनेगा भी तो कैसे बनेगा, फ्रंट का बनेगा सिंपल सीधा इस प्रकार का रेक्टेंगल। लेकिन जो भी आप बनाएंगे स्केल से बनाएंगे, ध्यान रहे ये आपका है फ्रंट, उसी तरह का साइड भी दिखेगा आपको। फ्रंट और साइड सेम है। अब अगर आप पोर्ट में जाते हैं जहां पर एक कोन बना हुआ है, अब आप इसको तो फ्रंट से देखो चाहे साइड से देखो, आपको हर बार एक ट्रायंगल शेप दिखेगी। फ्रंट से देखो चाहे साइड से देखो, ट्रायंगल ही दिखेगा आपको। ये फ्रंट का और साइड का क्या ट्रायंगल ही बनता है। और लास्ट है आपके पास फिफ्थ वाला, ये एक हेक्सागनल प्रिज्म है, हेक्सागनल देख सकते हैं, फेस साइड वाला इसमें दे रखा है। ठीक, तो इन्होंने पीछे ऐसे ही पहुंचाया हुआ है। इस प्रकार, ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें फ्रंट में अगर आप सामने से देखेंगे तो ये हेक्सागनल दिखेगा, लेकिन साइड से देखोगे तो साइड से आपको थोड़ा सा ऊपर वाला ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, थोड़ा नीचे का भी दिखेगा। तो अगर हम फ्रंट का बनाते हैं तो ये हमारे को एक हेक्सागनल दिखेगा पूरा, फ्रंट का पार्ट यही है सामने का, ये हो गया फ्रंट। और साइड से देखोगे तो साइड से आपको तीन रेक्टेंगल दिखेंगे इस प्रकार से, ऊपर वाले थोड़े पतले दिखेंगे और नीचे वाला थोड़ा पतला दिखेगा, बीच वाला थोड़ा ज्यादा चौड़ा दिखेगा। ये साइड के, ये इस तरह से आपको साइड वाला हिस्सा दिखेगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। एक पाइप के ऊपर इन्होंने ना बल्ब लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो आप देखेंगे नीचे इन्होंने एक पहले पाइप लगा है सिलेंडर टाइप का, और ऊपर एक लगा दिया है बल्ब और वो ऑन कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर किसी पाइप के ऊपर अगर ये लगा देंगे बल्ब लगा देंगे तो उसकी जो शेडो बनेगी वो कैसी बनेगी, किस शेप की बनेगी? मैं दिखाता हूं, उसकी शेडो बनेगी रेक्टेंगल शेप की। कौन सी शेप की? ये इसकी शेडो है। ठीक है, समझ में आई? ये बनेगी एक रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल शेडो। इन्होंने हमसे क्या मांगा था, किसी जो शेडो है वो कैसी बनेगी वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आपके पास फिगर है। इन्होंने कहा अगर मैं कोई ट्रायंगल हूं और रेक्टेंगल हूं तो मैं रेक्टेंगल और ट्राइंगल से इनमें कौन कौन से फिगर बन सकता हूं, तो बताइए कौन कौन से बन सकते हैं वो। फर्स्ट वाले में क्या है? फर्स्ट वाले में ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर है ऊपर और ट्राइंगल है, स्क्वायर एंड ट्राइंगल से बना है वो। टॉप में जो है वो स्क्वायर है, और सेकंड वाले को ध्यान से देखें तो उसकी चार दीवारें होंगी और चारों ट्राइंगल्स होंगे एंड और नीचे की तरफ स्क्वायर बनेगा, चार ट्राइंगल लगने से नीचे एक स्क्वायर बनेगा। थर्ड वाले में क्या बनेगा?
थर्ड वाले में भी ऊपर आपको स्क्वायर दिख रहा है और नीचे से ट्राइंगल है। फोर्थ फिगर में क्या है? फोर्थ वाले में ट्राइंगल है एंड रेक्टेंगल है ना, दीवारें जो है वो रेक्टेंगल की बनी हुई है बिल्कुल। और ये वाला फिफ्थ भी सेम है, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल इनसे मिलके बनाए वो। तो आपके लिए वो कौन सा फिगर है फिर इसके अंदर? वो है आपका आंसर फोर्थ एंड फिफ्थ, इसका आंसर है। क्लियर? ये फिगर्स थे। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास कुछ फिगर दिए हैं पहले से ही, जैसे ये आपको नेट दिया है, एक ये दिया है और दो इस प्रकार से दिए हैं। तो ये तो है फ्रंट, दूसरा साइड, तीसरा टॉप, और इसमें एक चीज और भी, इसमें एक को हम कलर कर देते हैं। चलो हमने इसे कलर कर दिया एक साइड को, उसी तरह से हमने इधर भी कलर कर दिया। इन्होंने कलर करके दिया है ना हमें, अब इन्हें हम कैसे यूज करेंगे? इन्होंने कहा कि बताइए वो कोई एक इन तीनों से मिलाकर के आप कैसा फिगर बना सकते हैं। तो देख लीजिए कैसा फिगर बनेगा। जिसमें से अगर हम इसको कलर कर दें, तो आप देख सकते हैं आपके पास फ्रंट का हिस्सा ये बनेगा, साइड का ये दोनों बनेगा, और टॉप में भी एक यहाँ का आएगा और एक बैक साइड का भी आएगा, यहाँ से पीछे की तरफ का ये भी टॉप होगा। होगा कि नहीं होगा? ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये हमें ऐसे दिखेगा ना। मैं इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी बना देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ये टॉप का हिस्सा हो गया ना हमारा, टॉप का। तो टॉप वाला वो भी ऐसे ही बनेंगे, दो रेक्टेंगल टाइप का ये बन गया टॉप वाला, और साइड के तो यहाँ से ये बन ही रहे हैं, और फ्रंट का तो आपका ये बन ही रहा है ना? नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको एक अलग वीडियो भी शेयर करूंगा, मतलब जो मैं अभी क्लास करा रही हूँ तो शेयर होगी होगी, इसके अलावा भी आपको मैं एक शेयर करूंगा, उसको भी देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये आज क्या कह रहे बेटा? नहीं, उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है,
आप ये वाले सारे जो मैंने आज किए हैं ये सब आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, सब अच्छे से पेंसिल और स्केल का यूज करके, ठीक है? तो होमवर्क क्या होगा, कंप्लीट, पहले तो हम लिखते हैं एक्सरसाइज 15.4, ठीक है, इन पेयर नोटबुक। दूसरा, कंप्लीट चैप्टर 15 इन पेयर नोटबुक। अब आप आज कल कभी भी मेरे को सेंड कर सकते हो। और तीसरा एक है, तीसरा जो होमवर्क आपके लिए इसमें बनता है वो है कंप्लीट सिलेबस इन पेयर नोटबुक। जो भी आपका सिलेबस है अब वो कंप्लीट कीजिए, मैथ का सेकंड टर्म का जो भी सिलेबस मैंने आपको बताया हुआ है, एक ही काम है ये। एक बार ये कंप्लीट तो इसका मतलब सब कंप्लीट। बिल्कुल लगाना है बेटा, लगाना है, कॉपी में लगाना है, डॉट शीट पे बना के बना के कट करके चिपकाइए ना। चलिए अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दीजिए।